सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को लेकर आज दुनिया भर में प्रकाश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज पंचकूला सेक्टर 7 में गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुद्वारा साहब में माथा टेका और देश व प्रदेश के लोगों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। का आज प्रकाशोत्सव का एक दिन है और मैं भी आज गुरुद्वारे में उसी उपलक्ष्य में दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपनी ओर से इस पावन पर्व के लिए बहुत शुभकामनाएं। वही चंडीगढ़ में भी विभिन्न गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु चिटुरा देने वाली ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में माथा टेकने पहुंचे। हालांकि दोपहर होते होते मौसम ने करवट ली और सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए, जिसके बाद गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गुरबाणी का श्रवण किया और अरदास की। वहीं कोरोना के मद्देनजर गुरुद्वारों में विशेष प्रबंध किए गए थे। शहर में जगह जगह लंगरों का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा सेक्टर 19 के गुरुद्वारे में गुरुपर्व के मौके पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, जहां आने वाली संगतों ने अपना चेकअप व टेस्ट करवाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। सब तो पहला मैं चंडीगढ़ी संगतों नूं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारक देना। एक ग्रुप अज चंडीगढ़ दे विच बड़ी धूमधाम नाल तकरीबन तकरीबन सारे गुरुद्वारे च मनाया जा रहा। इस संबंध में पहला 19 गुरुद्वारे साहब अखंड पाठ रखा गया, अज सवेरे उदे समाप्ति हुई। फिर उस तो बाद सवेर तो शब्द कीर्तन चल रहे हैं। बाहरों रागी सिंह आए ने, लोग संगतं बड़ी हुम हुमा के पहुंची हुई हैं। गुरु का लंगर तैयार है। इस संबंध में गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश दिहाड़े संबंध में एक खास उपराला गुरुद्वारा साहब वालों किया गया है, जिसे असी एक मैडिकल कैंप फ्री लगाया बार, जिसे शुगर फ्री है, लिप्टोफ्राई टोटली फ्री है, तो थायराइड का भी टैस्ट हो रहा है। तो असी संगतों को बेनती करते हैं कि इतने आके इस चीज़ का फायदा उठाए तो खुशियां प्राप्त करें। प्रकाश उत्सव के मौके पर जहां गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो वहीं इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए भी कोरोना नियमों का पालन किया गया। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।